कोटाबूंदी से लोकसभा उम्मीदवार ओम बिरला बुधवार को नामांकन भरने जा रहे हैं। इससे पहले शहर में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों को नामांकन रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज मेहता ने मंगलवार को कोटा के कई इलाकों में जाकर के लोगों से नामांकन रैली को सफल बनाने की अपील की और रैली में हिस्सा लेकर के और आगामी लोकसभा चुनाव में ओम बिरला के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। ओम बिरला जी को भाजपा ने तीसरी बार कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। उनके प्रति आम जन में व्यापक उत्साह है और उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान आम मतदाता ये भावना व्यक्त कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, ओम बिरला जी को तीसरी बार सांसद के रूप में निर्वाचित करना है। कल माननीय ओम बिरला जी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इस अवसर पर एक विशाल नामांकन रैली उमेश सिंह स्टेडियम में प्रातः 11 बजे आयोजित है। उसके लिए भी हमने आम मतदाताओं को आमंत्रित किया है। आम मतदाताओं में व्यापक उत्साह है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 4 जून को ओम बिरला जी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।